إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن سللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم وعن عرباد بن سارية رضي الله تعالى عنه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا دین ہے جو تمام انبیاء کا دین ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے سب کا دین اسلام ہی ہے. اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مکمل فرمایا اور قیامت تک کے لیے اب یہ دین جاری و ساری رہے گا. قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا, جو قیامت تک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ کی کتاب ہے اور مسلمانوں کے پاس محفوظ ترین صورت میں موجود ہے. دنیا میں اسلام ہی وہ دین ہے جس نے زندگی گزارنے کے مکمل طور طریقے بیان کیے ہیں, اور اسلام ہی وہ دین ہے جو ساری دنیا میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. یورپ میں, امریکہ میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں جتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے دوسرا کوئی دین اور مذہب نہیں ہے. یہ بھی اسلام کی حقانیت کی اور سچائی کی دلیل ہے.
मैंने जो आयत पढ़ी है सूरह बकरा की आयत है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम मुसलमानों से ख़िताब किया है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। मुसलमानों, ऐ वो लोगों जो ईमान ले आए हो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान के रास्तों की पैरवी मत करो। इन्नहु लकुम अदुवुम मुबीन, क्योंकि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह ताला ने इस आयत में हम मुसलमानों को हुक्म दिया है और ये मुतालबा किया है कि कलमा पढ़ने वाले लोग इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हों। इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिले का मतलब क्या है? इस्लाम की बुनियाद अकीदे तौहीद पर है। अकीदे तौहीद तमाम आमाल की कबूलियत के लिए शर्त है। तौहीद के बग़ैर कोई भी अमल मुसलमान का अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तौहीद है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तौहीद है। अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो इस तमाम कायनात का खालिक व मालिक है और तमाम मखलूकात का राजिक है, मुहयी और मुमीत है। उसी के हाथ में मौत और ज़िंदगी है, उसी के हाथ में शिफा है और उसी के कब्ज़े कुदरत में इस पूरी दुनिया का निज़ाम है। वो अकेला है, फ़र्द है, वाहिद है, उसकी ज़ात में, उसकी सिफात में कोई शरीक नहीं। वही हाजत रवा है, वही मुश्किल कुशा है। इस्लाम में दाखिल होने का मतलब ये है कि हम अल्लाह के अलावा जिन जिन को पुकारा जा रहा है उनका इनकार करें, जिन्हें मुश्किल कुशा माना जा रहा है उसका इनकार करें। मसलन एक जुमला है, अली मुश्किल कुशा। अगर इस्लाम में पूरा दाखिल होना है तो इसका इनकार करना पड़ेगा कि अली मुश्किल कुशा नहीं है। जिस तरह हम बुतों की तकदीद करते हैं, बुतों के माबूद होने को तस्लीम नहीं करते हैं, इनकार करते हैं कि बुत हमारे खालिक व मालिक नहीं हैं, ये इबादत के मुस्तहिक नहीं हैं, इसी तरह इसका भी इनकार करना होगा कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुश्किल कुशा नहीं है। जब तौहीद मुकम्मल होगी, इस्लाम में दाखला तभी होगा, वरना अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को मुश्किल कुशा मान लिया तो आदमी के लिए बाहर का रास्ता है, अंदर का रास्ता नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौस आज़म नहीं हैं ये कहना पड़ेगा। गौस फरियादों को सुनने वाला अल्लाह ताला है, अल्लाह के अलावा कोई फरियाद रसा नहीं है, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं है, कोई शिफा देने वाला नहीं है, कोई औलाद देने वाला नहीं, कोई हमारा कारसाज और वली नहीं है, ये कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इस अकीदे का इनकार करना पड़ेगा कि वो गौस नहीं है। वो गौस नहीं है, आज़म होना तो बहुत दूर की बात है, और कोई मखलूक गौस नहीं है, मखलूकात में से कोई भी गौस नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही फरियाद रसा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे,
दुआ पढ़ते थे कि अल्लाह तू हमारी फरियादों को सुनने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही गौस है, गरीब नवाज। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज नहीं है ये कहना पड़ेगा। गरीब नवाज कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह के अलावा कोई गरीब नवाज नहीं है। जरा सोचिए, वो तो पैदा हुए ना, मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा हुए, दुनिया में जिंदगी गुजारी, फिर उनकी वफात हो गई। उनकी कब्र मौजूद है, कोई वफात का इनकार करे तो झूठ बोलता है। कब्र में कौन जाता है जिसकी वफात हो जाती है? जिंदा कब्र में नहीं रहता। तो जब वो पैदा नहीं हुए थे तो तब गरीब नवाज कौन था? तब हाजत रवा कौन था? तब गरीबों की फरियाद सुनने वाला कौन था? वो जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो गरीब नवाज भी अल्लाह रब्बुल आलमीन है, बंदों में से कोई गरीब नवाज नहीं है। बंदा नवाज भी एक साहब हैं। एक साहब को गरीब नवाज बना दिया और साउथ में एक साहब बंदा नवाज हैं। तो बंदा नवाजी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही का काम है, किसी गैर का नहीं है। तो इन सारे माबूदों का, जिन्हें लोगों ने माबूद बना लिया है, जिनके आगे झुक रहे हैं, जिनको मुश्किल कुशा और हाजत रवा मान रहे हैं, इनकार करना होगा। इनकार किए बगैर इस्लाम में दाखले का मतलब बेमाना है। तो सबसे पहली बात यही है कि अकीदे तौहीद में पुख्तगी, बुजुर्गान दीन का एहतराम लाजिम है। लेकिन एहतराम का ये मतलब नहीं है कि हम अल्लाह का एहतराम करना छोड़ दें, अल्लाह की शान में ना कदरी करें और अल्लाह की कदर को न पहचाने, उसके मकाम को न पहचाने। बुजुर्गान दीन के एहतराम का ये माना हरगिज नहीं है। बड़ों का एहतराम ज़रूरी है, लेकिन जो सबसे बड़ा है उसके एहतराम में कटौती करके बड़ों का एहतराम करना, ये किसी तरह दुरुस्त नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल मानना ज़रूरी है, मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है। इसके बगैर नजात मुमकिन नहीं, बख्शिश नहीं होगी। जो रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी और रसूल नहीं मानेगा। नबी और रसूल मानने का तकाजा ये है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी की जाए, आपकी बात के मुकाबले किसी की बात को पेश ना किया जाए। सोचना भी बेअदबी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस सामने आ जाने के बाद फिर ये सोचना कि फलां ने क्या कहा है, फलां ने क्या कहा है, फलां ने क्या कहा, फलां की क्या राय है, ये सोचना भी हमारे नज़दीक बेअदबी है, गुस्ताखी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। क्यों? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है वो मकाम किसी भी मखलूक को हासिल नहीं है, किसी उम्मती को हासिल नहीं है, किसी नबी को भी हासिल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात लाजिम और ज़रूरी है, उसको हम मानते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें अपने नबी की शफात नसीब फरमा। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी में भी किसी को शरीक करना, ये इस्लाम में दाखले के मुनाफी है। तो इस्लाम में दाखले का मतलब क्या है? कि आदमी अल्लाह का हक अदा करे,
और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा करे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक यही है कि आपकी इताअत की जाए, आपकी फरमाबरदारी की जाए। कुरान मजीद में दो जगह अल्लाह ताला ने फरमाया और बहुत अजीम आयात हैं, रोंगटे खड़ी कर देने वाली आयात हैं। एक जगह अल्लाह ने फरमाया وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا। 19 और 12 खोलिए, पहले पेज पर यह आयत आपको लिखी मिलेगी। कयामत का जिक्र है, कयामत का दिन होगा, जालिम अपने हाथों को चबा कर कहेगा वयौमा यअद्दु ज़ालिमु अला यदैह यकूल, कहेगा जालिम, हाथों को चबाएगा। आदमी जब उस पर गुस्सा सवार होता है और गुस्से में पागल हो जाता है आदमी, तो दुनिया में भी अपने बाल भी नोच लेता है, अपने हाथों को भी चबा लेता है। ये हरकतें आदमी करता है। अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे। ये कैफियत अल्लाह ने बयान की है कयामत के दिन, किसकी? जालिम की। وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا, हाय मेरी कमबख्ती, काश मैंने रसूल के रास्ते को इख्तियार कर लिया होता। या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूलि सबीला, रसूल के रास्ते को इख्तियार कर लिया होता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, मेरी बदबख्ती और मेरी कमबख्ती कि मैंने फलां को दोस्त बना लिया, फलां को दोस्त न बनाया होता। दोस्ती, सरदारी और इस तरह की चौधराहट और पीरों और फकीरों के पीछे लगना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर, आपके रास्ते को छोड़कर उनके रास्ते को इख्तियार करना, यही इस आयत में कहा गया है। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, मेरी बदबख्ती मैंने फलां को दोस्त न बनाया होता। लकद अदल्लनी अनिल ज़िक्र बाद इज़ जाअनी वकान अश्शैतानु लिल इंसानी खज़ूला, बिलाशुबा यकीनन हिदायत आ जाने के बाद, अल्लाह के फरामीन आ जाने के बाद मुझे गुमराह कर दिया। किसने? शैतान ने। वो इंसान को बहकाता है, वो तो इंसान को धोखा देने वाला है। लकद अदल्लनी अनिल ज़िक्र बाद इज़ जाअनी वकान अश्शैतानु लिल इंसानी खज़ूला, वकाल रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। और क़ियामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, मेरी कौम ने कुरान मजीद की तालीमात को भुला दिया था। इस आयत को अपने सामने रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक अपने सामने रखें और हम सब अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें, अपनी शब और रोज़ के मामूलात का जायज़ा लें। और एक और आयत है इसी से मिलती जुलती, जिसमें इसी बात को बयान किया गया है, यौम तुकल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, क़यामत के दिन जब उसे मुंह के बल जहन्नम में डाला जाएगा, आग में डाला जाएगा। यकुलून, वो कहेंगे या लैतना अतान अल्लाह व अतान रसूला, हाय काश
हमने अल्लाह और उसके रसूल का कहना मान लिया होता। या लैतना अतान अल्लाह व अतान रसूला, हमने अल्लाह और उसके रसूल की बात मान ली होती। वकालू रब्बना इन्ना अतअना सादतना व कुबराना फअदल्लून सबीला, और कहेंगे ए हमारे रब, इन्ना अतअना सादतना, हमने अपने नेताओं की, चौधरियों की, व कुबराना और बड़ों की, फअदल्लून सबीला, उनके पीछे लगे तो उन्होंने हमें गुमराह कर दिया। हमने अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते को छोड़ा और बड़ों के पीछे लग गए। ये बड़े पहुंचे हुए हैं साहब, बड़े पहुंचे हुए हैं, और पहुंचे हुए का हाल क्या है? न पाक रहता है, न नमाज पढ़ता है, शरीयत की को पर अमल ही नहीं करता, गले में मालाएं पड़ी हैं, हाथों में कड़े पड़े हुए हैं, कब्रों पे पड़ा हुआ है और अल्लाहु अल्लाहु के नारे लगा रहा है। उसको आदमी खिला रहा है, पिला रहा है, ये समझ कर के मेरी रोज़ी में बरकत हो जाएगी, मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा भला हो जाएगा, इसकी खिदमत कर लो, ये मजजूब है। मेरे भाइयों, जो लोग शरीयत की पाबंदी नहीं करते वो वली नहीं हो सकते, अल्लाह के मुकर्रब नहीं हो सकते। अल्लाह का मुकर्रब होने के लिए ज़रूरी है शरीयत पर अमल करना, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। तो क्या कहेंगे? वकालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फअदल्लून सबीला, हम तो बड़ों के पीछे लग गए, पीरों के पीछे लग गए, नेताओं के पीछे लग गए, चौधरियों के पीछे लग गए, उन्होंने हमें गुमराह कर दिया। और उसके बाद बद्दुआ करेंगे, रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा, अल्लाह इन जिन लोगों ने हमें गुमराह किया है इनको दुगना अजाब दे और बड़ी लानत में गिरफ्तार कर दे। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक हम पहचानें और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत बिला शर्त हमें करनी है। इताअत रसूल के बगैर नजात मुमकिन नहीं, अल्लाह की रजा हासिल नहीं होगी, जन्नत नहीं मिलेगी, जहन्नम का रास्ता है। तो इस्लाम में दाखिल होना मुकम्मल तौर पर, तो पहले तो तौहीद है, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का हक है, उसकी अदायगी है। अब ये शैतान जो है, इबलीस, जिसके रास्ते की खतरनाकी को अल्लाह ने बयान किया कि ये शैतान का रास्ता है इस्लाम के अलावा जो रास्ता है, और वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, तो हमें उसकी मक्कारियों से भी वाकिफ होना चाहिए। कुरान करीम में सारी चीज़ें खोलकर बयान कर दी हैं, इब्तदा से लेकर और क़यामत तक के लिए। उसी के साथ मेरे भाइयों, एक और मसला भी है इस्लाम में दाखिले का। कुरान मजीद में दो जगह आयात हैं, बिल्कुल मिलती जुलती, मामूली से एक आध हर्फ का फर्क। एक जगह फरमाया, अफराइत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या तुमने उसे भी देखा कि जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को माबूद बना लिया है? और दूसरी आयत है, अराइत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, कि क्या तुमने उसको देखा कि जिसने अपनी ख्वाहिशात को माबूद बना लिया है? मेरे भाइयों, ये मसला बड़ा नाजुक है। तौहीद
और नफ्स को इलाह बनाना, नफ्स को माबूद बनाना बहुत बारीक मसला है और बहुत मुश्किल मसला है। हम में से हर शख्स टटोले अपने आप को कि हम कितना दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कितने परसेंट अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक गुजार रहे हैं। ख्वाहिशात बेलगाम हैं आज, हर मामले में ख्वाहिशात की पैरवी हो रही है। जिसे हमारा दिल पसंद करता है उसे हम कबूल कर लेते हैं, जो हमारी आंखों को अच्छा लगता है उसे हम कबूल कर लेते हैं, जो हमारे जहन में आ जाता है उसे हम कबूल कर लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि जिसे हम कबूल कर रहे हैं उसके नतीजे में शरीयत के कौन कौन से उसूल पामाल हो रहे हैं, इसकी परवाह हम लोग नहीं करते। मियाँ हाँ ठीक है भाई, नमाज भी पढ़ लेते हैं भाई, दुनिया को भी देखना, भाई रोज़ा भी रख लेते हैं, ज़कात भी निकाल देते हैं, सदका फितर भी दे देते हैं, मैं तरावी की नमाज भी पढ़ लेते हैं रमज़ान में, लेकिन भाई दुनिया को भी तो देखना है। दुनिया दीन से भारी है, किस किस को जवाब देंगे और क्या क्या कहेंगे। इसलिए भाई सब चलता है, सब करना पड़ता है। अजी मौली साहब आप नहीं जानते आपका हल्का है कितना सा, हमें तो सारे ख़ानदान को और सारी बिरादरी को साथ जवाब देना है, हमारे सामने तो साहब बड़ी मुश्किलात हैं, क्या करें। ये सारे सवालात हमारी ज़बानों पर होते हैं, ये सारे जुमले हमारी ज़बानों पर होते हैं। हर आदमी ईमानदारी से सोचे होता है कि नहीं, यही ख्वाहिशात की पैरवी है, ख्वाहिशात की पैरवी। हमें क्या हुक्म दिया गया है कि हम अपनी ख्वाहिशात को शरीयत के ताबे करें, ख्वाहिशात को शरीयत के ताबे करें। ये नहीं है कि जो हमें अच्छा लग रहा है वो सही है, नहीं, जो शरीयत अच्छा कहती है वो अच्छा है, जिसको दीन सही कहता है वो सही है, मेरे और आपके कहने से नहीं। तो आज ये बीमारी, ख्वाहिशात की पैरवी की बीमारी, कमोबेश हम में से हर शख्स में, हर शख्स इस बीमारी का मरीज है। तो तौहीद कहाँ रह गई? ठीक है आप किसी कब्र पे नहीं गए सजदा करने, कहीं चादर आपने नहीं चढ़ाई, उर्स में आप नहीं गए, और साहब आपने किसी पीर फकीर से भी फरियाद नहीं की, अल्लाह ही से मांग रहे हैं, इन सारी चीज़ों से बचे हुए हैं। लेकिन ये जो शिर्क हो रहा है, ख्वाहिशात की पैरवी, ये शिर्क है। जब ख्वाहिशात को माबूद बना लिया तो गैर को माबूद बनाना ही तो शिर्क है। तो इस शिर्क से कैसे बचा जाएगा, इससे बचने की हम सब फिक्र करें, और जब तक इससे नहीं बचेंगे इस्लाम में पूरे दाखिल नहीं होंगे। इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिले का मतलब यही है कि हम तमाम तर शिर्क से अपने आप को बचाएं, छोटा हो या बड़ा हो, जाहिरी हो या बातिनी हो, किसी भी अंदाज का शिर्क है उसे दूर रहें, उसे तौबा करें। तो इस्लाम में दाखिले का ये माना और यही मतलब है। बाकी बातें इंशाल्लाह आइंदा अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम में मुकम्मल दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए और हमें शरीयत का पाबंद बना दे। क़ुलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फिरूहु इन्नहू